Hello everyone, I welcome you all on my channel Commerce Hurricanes. As you know that we have done basic accounting terms and today we are going to discuss about the classification of accounts. देखिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अगर आप कर चुके हो, एक बार वीडियोस वो देख चुके हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई हैं और आज हम उसके आगे की चीज़ें करने जाएंगे. ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेरी वो वीडियोस देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएँ. अब अकाउंट्स में हम जो काम करते हैं ना, या हम डे टू डे लाइफ में भी जब काम करते हैं तो कुछ लोगों के साथ हम डील करते हैं. जैसे कि या तो आप किसी ह्यूमन बीइंग से डील करोगे, बैंक से, इंस्टीट्यूशन से, या किसी कंपनी से डील करोगे. ठीक है, इसी तरह या तो आप कुछ एक्सपेंसेस पे करोगे और कुछ इनकम्स कमाओगे, या फिर आप कोई एसेट्स खरीदोगे और लाइबिलिटीज पे करोगे, है ना. तो इन सभी चीज़ों को हमने क्या किया, इन सभी चीज़ों को हमने एक पर्टिकुलर नेम दे दिया और जो नेम हमने इनको दिया उसी नेम को हम कहते हैं अकाउंट. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि हमारे अकाउंट्स में ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया है, मींस हमने जिनको पर्टिकुलर नेम दिया है. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट द कॉन्सेप्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब कि जो भी हम बिजनेस में जिन लोगों से भी डील करते हैं या जो भी काम हम बिजनेस में करते हैं वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है. तो हमारे पास पर्सनल अकाउंट होता है और इम्पर्सनल अकाउंट होता है. पर्सनल अकाउंट का मतलब कि ऐसे लोग जो कि ह्यूमन बीइंग हैं और जो कि रियल में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, ह्यूमन बीइंग के साथ अगर आप डील करते हो या किसी फर्म के साथ आप डील करते हो, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी कंपनी के साथ अगर आप डील करते हो, तो उन सभी लोगों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब कि ये ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें किसी फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन का रोल नहीं होता. ठीक है, मतलब कि ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेट नहीं होते, तो इसीलिए इनको हमने इम्पर्सनल अकाउंट बोला है. अब इम्पर्सनल अकाउंट भी टू टाइप्स के हैं हमारे पास. फर्स्ट है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें या ऐसी अकाउंट्स जो कि रिलेटेड हैं आपकी एसेट्स एंड आपकी लाइबिलिटीज़ से. ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म की वीडियोस में. ठीक है, तो अगर आप फर्म के लिए या अपनी कंपनी के लिए कोई एसेट परचेज करते हो या कोई लाइबिलिटी आप पे करते हो तो उसे हम कहते हैं रियल अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है ये वो चीज़ें हैं जो कि किससे डील करता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन. यानी कि अगर फर्म को कोई एक्सपेंस हो रहा है या फर्म को कोई लॉस उठाना पड़ता है या फर्म को कहीं से अगर इनकम हो रही है या गेन हो रहा है, तो उन सभी चीज़ों को हम नॉमिनल अकाउंट के हेड में डाल देते हैं. ठीक है, अब एक सिंपल सी बात सोचते, एक छोटी सी स्टोरी कि राम ने एसेट खरीदा. ठीक है, तो राम क्या है, एक ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग है इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट हो गया. ठीक है, उसने एसेट खरीदा है. एसेट का मतलब आप जानते हैं. अब वो एसेट खरीद रहा है यानी कि वो रियल अकाउंट है. एसेट जो है वो क्या है, रियल अकाउंट. ठीक है, इसी तरह राम ने सैलरी पे की है तो राम क्या हो गया, राम हो गया पर्सनल अकाउंट. और दूसरी बात क्या है, इसमें सैलरी की बात की जा रही है तो सैलरी क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है और एक्सपेंस है इसीलिए वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट. तो क्लियर हो गया आपको. ठीक है, अब इसमें आगे आता है पर्सनल अकाउंट के टाइप्स. पर्सनल अकाउंट का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट. इसका मतलब होता है ये वो लोगों के साथ डील करता है जो नेचर के थ्रू बनाए गए हैं और जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, मींस ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स के साथ अगर आप डीलिंग कर रहे हो तो वो सभी लोग आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे. ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हैं बट एक्चुअल में वो ह्यूमन बीइंग नहीं है. ठीक है, वो आर्टिफिशियली काम कर रहे हैं इसीलिए हम उन्हें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं. लाइक आप किसी बैंक में जाते हो, मनी को डिपॉजिट करते हो या मनी को विड्रॉल करवाते हो, तो आपने ये काम किसी से करवाया है, बैंक में एक पर्सन है जिसने ये काम किया, तो एक पूरा का पूरा बैंक क्या है, एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपके लिए काम कर रहा है, तो इसीलिए वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा. अगर आप किसी फर्म या कंपनी के साथ डील कर रहे हो, एक्स वाई जेड कंपनी के साथ आपने डीलिंग की है, तो वो एक्स वाई जेड कंपनी भी क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल पर्सन. ठीक है, नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट.
यानी कि इसमें हम उन लोगों को रखते हैं जो किसी एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मींस ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम्स जो हमारे किसी एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है। लाइक अगर मैं बोलती हूँ सैलरी, सिर्फ सैलरी, तो ये क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, इसीलिए ये नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके आगे वर्ड डाल देती हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसका क्या मतलब बना? आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सैलरी को। ये बता रहा है कि कंपनी को एक सैलरी पे करनी है, लेकिन वो सैलरी क्या है? वो सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अगर 10 लोगों की सैलरी आप पे करने वाले हो, तो उन 10 के 10 लोगों की सैलरी को एक हेड में आपने डाल दिया जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये एक हेड 10 लोगों की सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करने का आसान तरीका, कभी भी अगर किसी वर्ड के आगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड जुड़ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये तो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स थे। अब हम ये देखेंगे कि इन अकाउंट्स के थ्रू हमारे जो अकाउंट्स के रूल्स बने हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, वो क्या है और कैसे वो काम करते हैं। लेट्स सी द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए, आपका जो अकाउंट है वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से समझ ली, तो आपका जर्नल एंट्रीज एंड अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, वो चैप्टर्स इसी पर बेस्ड हैं। अब इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि जब हम अकाउंट्स करते हैं तो आप क्या करते हैं, या तो बिजनेस में कुछ आपके पास आता है या बिजनेस में से कुछ आपके पास से जाता है। मींस सपोज करते हैं कि अगर मुझे ये बोर्ड खरीदना था तो बोर्ड मुझे मिला होगा मार्केट से, मैंने जब परचेज किया और बदले में मुझे कैश देना पड़ा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको अपने घर पे टेबल खरीदना है तो टेबल आपको मिलेगा और बदले में कैश आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या बनता है कि बिजनेस में अगर कोई चीज़ आती है तो बदले में कुछ ना कुछ जाता भी है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है आप हमेशा कैश पेमेंट ही करो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बोल देते हो आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं हफ्ते के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, सपोज़ मैंने जब ये बोर्ड ख़रीदा, मैंने बोला मेरे पास आज पैसे नहीं है, 1 वीक के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। तो बोर्ड मुझे मिल गया, बदले में एक प्रॉमिस क्रिएट हो गया। प्रॉमिस क्रिएट हो गया मतलब मैंने प्रॉमिस किया सामने वाली पार्टी को कि मैं कुछ टाइम के बाद आपकी पेमेंट करूँगी। तो यानी कि आप फिर से देखिए, आज नहीं तो कल मुझे वो पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ तो होगी ही होगी, चाहे आप कैश में डील करते हो चाहे आप क्रेडिट पे डील करते हो। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है ना, आना और जाना, इस कॉन्सेप्ट को हमने नाम दे दिया डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, DEBIT, डेबिट एंड क्रेडिट। ये कुछ अलग से चीज़ नहीं है, ये बस एक अकाउंट्स को करने का एक तरीका है, एक नेम दे दिए गए हैं। जैसे आपका नेम फैमिली में रख दिया गया, कुछ भी जो आपका नेम है, तो उसको रखने के पीछे कोई खास कारण नहीं था, बस ये था कि आपको एक पहचान दी जाए। वैसे ही अकाउंट्स में ये दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, सिर्फ इसीलिए कि कुछ पहचान बना दी जाए। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इन रूल्स को करते हैं। देखिए, डेबिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं DR के साथ और क्रेडिट को हम लिखते हैं CR के साथ। ठीक है, आप बुक्स में देखेंगे DRCR, DR means डेबिट, CR means क्रेडिट। अब पहला था हमारे पास पर्सनल अकाउंट, जो कि डील करता था ह्यूमन बीइंग, फर्म, इंस्टीट्यूशन या कंपनी से। अब इसका जो रूल है वो कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस इंसान ने कुछ रिसीव किया है उसको हमेशा डेबिट में लिखना है। इंसान है, चाहे वो फर्म है चाहे वो कंपनी है, अगर उन्होंने कुछ रिसीव किया है तो उसको डेबिट में लिखेंगे। और अगर किसी ह्यूमन बीइंग ने, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, किसी ने भी कुछ चीज़ गिवर की है, गिवर का मतलब देने वाला, अगर कोई चीज़ वो दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उसका नाम क्रेडिट में हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये सारी चीज़ें बहुत ऑकवर्ड सी लगेंगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ें कर रहे हो, 11th क्लास में अभी अपने कदम ही रखा है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से समझिए कि अगर आपने किसी से कोई चीज़ रिसीव की है तो जिसने रिसीव किया है वो रिसीवर होगा और उसका नाम डेबिट में लिखना पड़ेगा, और जिसने गिव किया है, मेहनत मतलब सामान किसी को दिया है, तो वो देने वाला गिवर हो जाएगा और उसका नाम आपको क्रेडिट में लिखना होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज करते हैं राम
received, राम रिसीव्ड कैश 4000, ठीक है, राम ने कैश रिसीव किया है 4000 का। अब राम क्या है, राम कौन है, रिसीवर है कि गिवर है, मतलब समझिए आप, राम ने कैश रिसीव किया है 4000, तो वो कौन है, वो तो रिसीवर है ना, तो यानी कि राम का नाम कहाँ आना चाहिए, डेबिट में, क्योंकि वो कौन है, वो रिसीवर है, ठीक है। तो आप राम लिखेंगे, लिखने का तरीका है ये, राम लिखेंगे डेबिट, क्योंकि राम का नाम डेबिट में आना चाहिए, ठीक है, तो राम को आप इस एंट्री में डेबिट करेंगे, क्योंकि वो कौन है, वो रिसीवर है, क्लियर हो गया। और क्या चीज रिसीव कर रहा है, वो कैश रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए एंट्री, देखिए मैंने अभी बोला एक चीज आ रही है दूसरी चीज जा रही है, राम ने कैश रिसीव किया है, दो लोगों की बात हुई है, एक राम की और एक कैश की, तो एंट्री में भी दोनों ही आएंगे, राम ने रिसीव किया है, क्या रिसीव किया है, कैश, तो आपने लिखा टू कैश। ये एंट्रीज लिखने का एक तरीका होता है कि राम जहां आपने लिखा है उसके थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको लिखना है टू, और फिर क्या चीज रिसीव हुई है आपको, कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। आपने एंट्री में अमाउंट डाल दी 4000, ये वाली साइड हमारी डेबिट कहलाती है, ये वाली साइड हमारी क्रेडिट कहलाती है, ठीक है। तो राम के अकाउंट में 4000 आए और उसने कैश रिसीव किया है, एंट्री कंप्लीट, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सोहन पेड रुपीज 5000। अब सोहन ने क्या किया है, 5000 रुपीज पे किए है ना, तो जब वो पे कर रहा है वो क्या है, वो सब कुछ दे रहा है ना, ही इज अ गिवर, और रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, तो यानी कि गिवर का नाम क्रेडिट में आना चाहिए। इस वाली साइड को हम, ये जो टू वाली साइड होती है, इसे हम क्रेडिट बोलते हैं, और इसके ऊपर वाली साइड को हम डेबिट बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा सोहन कौन है, रिसीवर है, यानी कि टू वाली साइड, क्योंकि रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, और मैंने अभी आपको बताया क्रेडिट के लिए टू वर्ड यूज करते हैं, तो टू सोहन आपने डाल दिया, और डेबिट में क्या आना चाहिए, क्या रिसीव किया है क्या पे किया है उसने, उसने 5000 का कैश पे किया है, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हो गया 5000 से एंट्री कंप्लीट, क्लियर हो गया। तो देखिए रिसीवर एंड गिवर दोनों के केसेस में मैंने आपको बताया एंट्री कैसे होती है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, डेबिट ये वाली जिसका नाम है हमारा सेकेंड इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब मैंने बताया कि जब किसी एसेट या लाइबिलिटीज में आप डील करते हो, तो इसके लिए रूल क्या करना है आपको, इसके लिए आपके पास रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब कि जो भी चीज बिजनेस में आ रही है, कम्स इन का मतलब जो चीज बिजनेस में आ रही है उस चीज को आप डेबिट में लिखेंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब जो चीज बिजनेस से जा रही है उसको आपने क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। देखिए बिजनेस में दो ही चीजें होंगी, या तो आपके पास कुछ आएगा, कैश पे करोगे तो कुछ मिलेगा, या फिर आप कुछ बिजनेस से बेच दोगे, है ना, यही है ना, या तो कैश पे करेंगे आप और सामान आपके पास आएगा, या फिर जो सामान आपके पास है आप उसे बेचेंगे, तो या तो बिजनेस में कुछ एंटर होगा या बिजनेस से कुछ जाएगा। तो अगर आपके पास कोई एसेट्स आती है, ठीक है, तो आपने क्या रूल फॉलो करना है, ये वाला। अगर कोई लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हो तब भी रूल फॉलो होगा ये वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला रूल जो है किससे रिलेटेड है, हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से। डजेंट मैटर कि एसेट करंट है कि फिक्स्ड है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एसेट होना चाहिए और इसी तरह लाइबिलिटीज होनी चाहिए, डजेंट मैटर कि वो करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट है, क्लियर हो गया। अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, आपने क्या किया, आपने फर्नीचर परचेज्ड किया है, फर्नीचर परचेज्ड फॉर 50000, आपने क्या किया, 50000 का फर्नीचर परचेज किया है। अब आप ध्यान से एंट्री में देखिए कि किन दो चीज़ों की बात हो रही है। मोस्टली एंट्रीज में बात दो चीज़ों की होती है, थ्री की भी होती है, बट वो लेटर ऑन स्टेज पे हम सीखेंगे। दो चीज़ें कौन सी हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ फर्नीचर खरीदा जा रहा है, ठीक है ना, फर्नीचर की बात हुई है, और फर्नीचर खरीदोगे कैसे, 50000 रुपये देकर, यानी कि कैश जा रहा है। दो चीज़ें हैं, एक फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में क्योंकि आप परचेज कर रहे हो, परचेज करोगे तो फर्नीचर आएगा, बदले में कैश देना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ें एसेट्स हैं, कैश भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, तो रूल क्या हो गया, ये वाला रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आ रहा है उसे डेबिट करिए। तो क्या चीज़ आ रही है बिजनेस में, फर्नीचर आ रहा है, तो आप लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट के लिए टू वर्ड यूज किया, थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। क्या चीज जा रही है बिजनेस से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चीज जा रही है, कैश जा रहा है,
ठीक है, तो आपने लिखा कैश अमाउंट आ गई 50,000 एंड 50,000। कई बार बच्चे इसी के नीचे लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। एक अमाउंट इसके लिए होती है और दूसरी अमाउंट दूसरे वाले कॉलम के लिए होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आ रही थी हमने डेबिट किया, जो चीज़ जा रहा है हमने उसे क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं हम नॉमिनल अकाउंट के। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि ये अकाउंट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एंड गेन से डील करता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का एक्सपेंस होता है या लॉस होता है तो आपको क्या एंट्री बनानी है? रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब कि अगर फर्म को किसी भी तरह का एक्सपेंस करना पड़ता है या किसी भी तरह का लॉस फर्म को उठाना पड़ता है तो उसे आप क्या करेंगे? डेबिट में लिखेंगे। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का मतलब कि अगर फर्म को किसी भी तरह की इनकम होती है या किसी भी तरह का गेन फर्म को होता है तो वो हमेशा क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, ये रूल है हमारा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। रेंट पेड, ठीक है, आपकी एंट्री है रेंट पेड 10,000। रेंट क्या है? एक्सपेंस है ना, आपको रेंट पे करना पड़ रहा है, एक्सपेंस है। तो ऑब्वियस ही बात है, रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब मुझे एक्सपेंस हो रहा है तो मुझे कहाँ लिखना है? डेबिट में। तो मैं लिखूंगी रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू। अब सिंपल सी बात है, नीचे क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली एंट्री तभी कंप्लीट होगी जब दोनों साइड्स पे आप लिखोगे। ठीक है, ऊपर तो रेंट आ गया, रेंट पे किया है, पेमेंट कैसे हुई है? कैश में हुई है, यानी कि आपके पास से कैश गया है, तो आपने क्या किया? टू कैश, ठीक है, 10,000, 10,000। ये आपको जज करना पड़ेगा कि अगर रेंट पे किया है, देखिए कुछ मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली कैश में ही दिया होगा, ठीक है ना, तो रेंट आपने दिया और कैश में दिया तो आपकी एंट्री इस तरह से कंप्लीट हो गई। इसी तरह अगर हम लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री, कि आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000 रुपीज। अब इसका क्या मतलब है? आपको हर जर्नल एंट्री में दो चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत है। किन दो चीज़ों की बात हुई है? एक तो यहाँ इंटरेस्ट की बात हुई है, ठीक है, कि हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, और वो रिसीव कितने कैसे हुआ होगा आपको? वो रिसीव कैश में हुआ है, ठीक है ना, तो यानी कि एक चीज़ तो यहाँ इंटरेस्ट है और दूसरी चीज़ यहाँ पर कैश है। तो इंटरेस्ट क्या है? इनकम है ना, तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, यानी जितनी भी इनकम और गेन आपको होती हैं उनको क्रेडिट में लिखना है। तो ये तो मुझे श्योर है कि मुझे क्रेडिट में क्या लिखना है? टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो मुझे टू यानी कि क्रेडिट में इनकम रिसीव्ड लिखना पड़ा। अब डेबिट में क्या लिखूं? क्योंकि एंट्री कंप्लीट तभी होगी जब दोनों साइड लिखेंगे, तो डेबिट में क्या लिखें? अब हम क्या रिसीव हुआ है? कैश। दूसरी बात हुई है कैश की, तो आपने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट कितनी है? 4,000 एंड 4,000 आपने लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आप समझ गए कि किस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो वहां पर और ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे और ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि ये हमारे अकाउंट्स हैं, ये उनके रूल्स हैं, और ये एग्जाम्पल्स आप समझ लीजिए कि किस तरीके से ये रूल्स इन एग्जाम्पल्स में वर्क करते हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।